एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आज उन्नाव जाएंगे और 21 दिसंबर को रेप पीड़िता की अस्पताल में मौत हो गई थी। दोपहर 12 बजे उन्नाव में रेप पीड़िता के गांव जाएंगे और परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। आरोपी को जमानत मिलने पर 16 दिसंबर को रेप पीड़िता ने एसपी ऑफिस में खुद को आग लगा ली थी और 21 दिसंबर को कानपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। तो अब एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को खुद को एसपी ऑफिस के बाहर आग के हवाले पीड़िता ने कर दिया था। इस दौरान काफी फिजदी जो पीड़िता थी वो जल गई थी और कानपुर के हेलेट अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया था। उसकी स्थिति को देखते हुए जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन हालत बिगड़ने पर सांस लेने में जो दिक्कत थी वो यहाँ पर पीड़िता को हो रही थी, जिसके बाद उसने अंतिम सांस ली। और अब इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो गर्म होती दिख रही है, क्योंकि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेंगे। सांत्वना उनकी तरफ से दी जा सकती है, लेकिन लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर खड़ा कर रही है, उस लिहाज से भी पीड़ित परिवार से एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का मिलना कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रहा है कि सीधे तौर पर सियासत करने की कोशिश। आपको बता दें कि जो पीड़िता थी वो आरोपी की जमानत बाहर होने के चलते परेशान थी, न्याय की गुहार जो है वो लगातार लगा रही थी, लेकिन जिस तरह से आरोपी बाहर थे उसके चलते वो हताश थी, परेशान थी और निराश होकर उसने खुद को आग के हवाले कर लिया।